और उस टीम को और बेहतर बनाने के लिए उससे पहले बेहतर तो खुद बनना होगा।
आपके पास जो ट्रेनर है या ट्रेनिंग है या जो आप जानते हैं उसको पहले आप चेक करो, और जो सुपर रिच बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए उससे आप कनेक्ट हो जाओ। जैसे कि अगर मुझे बनना है मैकेनिक और मैं दिन भर बैठता हूँ फूल दुकान में बुक्के बनाने वाले के यहाँ, तो क्या होगा? बुक्के बनाना। अब मुझे बनना है टीचर और मैं दिन भर बैठता हूँ डॉक्टर के साथ, क्या हो जाएगा? कंपाउंडर बनोगे। ठीक है जी। तो अब मुझे बनना है सुपर रिच, मैं दिन भर बैठता हूँ गरीबों के संगत में, गरीबों से बात करता हूँ, गरीबों के साथ काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लोगों को निकालना होगा ढूंढ के अपने लाइफ में कि मैं इसके साथ समय बिताऊं, इससे मैं सीखूं, यहां से मैं और आगे बढ़ने का प्लान हूं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होता है, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसका थॉट हमेशा नेगेटिव है, और उसका ट्रेनिंग वो है जो वो जानता है। जैसे एक आदमी आया बोला हमको सब पता है बैंकिंग के बारे में, तो वेस्टीज के बारे में तो सीखना होगा ना। एक आदमी आया बोला हमको खेती के बारे में सब पता है लेकिन बनना सुपर रिच, लेकिन वहाँ बन नहीं पाए, यहाँ बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो ये तीन चीज को, तीन को छुट्टी है, टाइम, थॉट एंड ट्रेनिंग, अगर इसे आप अपने अंदर लेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे। अब इसे क्यों लेना है, अब मतलब चलेगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा हेल्थ कैसा हो जाएगा, किताबें नहीं पढ़ोगे क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग में नहीं जाओगे तो क्या होगा, वीडियो वगैरह नहीं देखोगे तो, जैसे आज मैंने 8 मिनट का वीडियो आपको दिखाया था, 8 मिनट के अंदर जी क्या सीखे सर? बहुत कुछ सर। सिर्फ 8 मिनट का मैंने दिखाया था, है ना, ओनली 8 मिनट्स, 8 मिनट्स में आप बहुत कुछ सीखे। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट के बारे में जानना, प्लान के बारे में जानना, एलओबी के बारे में जानना, डेप्थ के बारे में जानना, इनकम कैसे आता वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये सिर्फ 2 घंटे का मैंने बताया, फिर क्या है वर्क। अब वर्क सफल होना चाह रहे हैं यहाँ पे, काम कर रहे जाके कुछ और, सफल होना चाह रहे हैं यहाँ पे जाके घूम रहे हैं बाहर मार्केट के अंदर, सफल होना है हमको सुपर रिच बनना है, लेकिन अपना जो टाइम आज 24 घंटा बीता कहाँ बीता, गरीबों के साथ टाइम कहाँ बीता, नौकरी वालों के साथ, तो कहाँ से अमीर होंगे। अब सोने का टाइमिंग है 6 घंटा मैक्सिमम, हमें क्या करना है, रात में 10 से लेकर 11 बजे तक स्लीप करना है, मतलब सो जाना है, ठीक है, और सुबह 5 बजे तक उठ जाना है। क्यों उठ जाना है, क्योंकि जब सुबह आप उठेंगे ना तो यहाँ पे आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं। 5 बजे उठ जाओगे तो 7 बजे तक या 8 बजे तक या 7 बजे भी मान लो तो 2 घंटे तो आप यहाँ बचा लिए ना, 2 घंटे आपने यहाँ यूज किए, तो इससे क्या क्या बढ़ा, देखो आपका हेल्थ अच्छा हुआ, नॉलेज बढ़ा, आप ज़्यादा बेहतरीन हो गए कल से, हाँ या ना। अगर आप रोज 2 घंटा ज़्यादा सोएंगे 7 बजे तक तो आप कितना कुछ खो रहे हैं, और जब तक ये चीज़ आपका फिट नहीं है तो आप कभी भी वर्क में हिट नहीं कर सकते, हाँ या ना। यस। अब लोग बोलते 7 बजे से पहले आँख नहीं खुलता, तो उसके लिए कभी अमीरी का तिजोरी नहीं खुलेगा, आँख ही नहीं खुल रहा तो तिजोरी कहाँ खुलना है, वो तो सर उठ नहीं सकते। अगर आप रोज जिम करने लगे तो आपका हेल्थ बेहतर होगा, तो ऑटोमेटिक नींद पहले खुलेगा। रोज एक्सरसाइज कर रहे, अच्छा फूड खा रहे, अच्छा खाना खा रहे, अच्छे तरीके से रह रहे, अच्छा ट्रेनिंग देख रहे, तो आप अच्छा बनते चले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे वर्क में आपको परफॉर्म करना है, लेकिन आप उठ रहे 8 बजे तो आपको तो 10 बजे का तैयार होते होते 11 बजे काम में निकलोगे, उस वक्त हालत कैसे रहेगा, आलसी जैसा, सुस्त लगेगा, मन नहीं कर रहा, 2 बजे तक फिर नींद आने लगेगी, है ना, तो वो नहीं करना है। सोने का टाइमिंग पहले करना है, लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, सब जानते हैं सोते सोते ना मेरा 1 बज जाता है। मुझे बताओ कि 10 बजे के बाद 1 बजे के बीच में कितने लोगों को आप मीटिंग करते हैं, कितना प्लान दिखाते हैं, 1 बजे जब एक भी प्लान नहीं दिखाते, एक भी मीटिंग नहीं करते, तो वो 3 घंटे जाता कहाँ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, गरीबों का फ्रेंडशिप का देखना कौन फ्रेंड क्या भेजा है, आपको बनना क्या है सुपर रिच, लेकिन संगत क्या है, गरीबों का व्हाट्सएप है, गरीबों का वीडियोस है, गरीबों का मैसेजेस है, गरीबों का फेसबुक फ्रेंड है, वो सब मिल करके देख रहे हैं हमारे दोस्त क्या भेजा, बचपन का स्कूल पड़ोसी क्या भेजा, उससे कुछ होना है,
वो 3 घंटा अगर आप यहाँ कट ऑफ करते हैं रात में सोने के लिए पहले, तो आप उठने के बाद क्या बन जाते थे? देखो तो रोज 1 घंटा जिम और 1 घंटा एक्सरसाइज, ये पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, वीडियो ट्रेनिंग आपको क्या बना देगा? वर्क करने में, परफॉर्म करने में एकदम माहिर बना देगा, खिलाड़ी जैसा बना देगा, और फिर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइम ही खराब चल रहा है। तो थॉट कहाँ से आता है? जो वीडियो आप देखते हैं, जो संगत में आप रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वही आपके दिमाग में थॉट आएगा। और आप अगर जल्दी सोते, जल्दी उठते, हेल्दी रहना चाहते, हेल्दी खाना खाते, हेल्दी वीडियोस देखते हैं, तो आपका थॉट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंज होगा ना जी? होगा ही नहीं? यस। ट्रेनिंग, कितना ट्रेनिंग मुझे लेना है सक्सेसफुल होने के लिए? अगर मुझे रिच बनना है, सुपर रिच बनना है, तो एक कोर्स बना लो ना, 1 साल 2 साल 3 साल। ये 3 साल या 4 साल या फिर 5 साल, इस 5 साल के अंदर आपका प्लान ऐसे होना चाहिए। 1 मंथ का गोल क्या है, 2 महीने का गोल क्या है, 3 महीने का गोल क्या है, 4 महीने का गोल क्या है, ऐसे एक एक महीने का स्लेब बनाओ। अगर आपके टीम में मान लो एक टीम के अंदर परफॉर्मेंस हुआ 500 पीवी का, तो नेक्स्ट मंथ 1000 पीवी कैसे होगा? क्या वो लोग सो के उठता 9 बजे 8 बजे फेसबुक चलाते रहते, वीडियो देखते रहते? जब तक आप अच्छे लोगों को टीम में नहीं लाओगे, तो अच्छा काम होगा नहीं। वेस्टीज इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा बिजनेस है, इसके अंदर अगर लूजर टाइप के लोगों को नौकरी में रख लिया जाए, जैसे हाजिरी बना के सो जाते हैं, तनखा तो आई जाता है BCCL में, अगर वैसे वेस्टीज में हो जाए तो वेस्टीज कहाँ जाएगा? 19 तारीख तक पेमेंट नहीं आएगा, वेस्टीज बर्बाद हो जाएगा ना। तो हमें करना क्या है कि अपने आप को भी एक्टिव बनाना है और अपने टीम को भी एक्टिव बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आप एक बिजनेस जो कर रहे हैं वो चलता है ग्रुप से। किससे चलता है? ग्रुप से। अब जब तक ग्रुप आपका एक्टिव नहीं रहेगा, आप कोई भी मैच नहीं जीत सकते, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, आर्मी का हो, बैडमिंटन का हो, कोई भी ग्रुप, कोई भी, जब तक आपका ग्रुप एक्टिव नहीं, आप कोई भी बड़ा जीत नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स का हो, बिजनेस का हो, कर सकते हैं क्या? नहीं। अब हमारे टीम के लोग कैसे सो के उठेंगे जी 8 बजे? सर पहले आंखें नहीं खुलता है, रात में देखो तो 1 बजे ऑनलाइन है, 2 बजे ऑनलाइन जी, फेसबुक चल रहा जी, तो उससे उसका तो भविष्य जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में मैं अगर एक्टिव ना रहूं तो मेरा भी जाएगा जी। तो ये 3 चीजों को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले क्या सुधारना है? फिर क्या सुधरेगा? फिर हमें सीखना क्या है? अगर स्विमिंग सीखना तो स्विमिंग का ट्रेनिंग लेना है, बिजनेस सीखना तो बिजनेस का ट्रेनिंग लेना है। तो ये जब तक हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे 3 चीजों को, तब तक आप सुपर रिच बनने के लिए सोच भी नहीं सकते, बन सकते हैं? नहीं। कुछ झटके में 2-4 आदमी ज्यादा परचेज कर लेगा, आपके पास कुछ थोड़ा पैसा आ जाएगा, 50,000 आ गया जी, 1 लाख आ गया, 1.5 लाख आ गया। लेकिन लंबे समय तक आपको अमीर बनने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव बनाना पड़ेगा, टीम को एक्टिव बनाना पड़ेगा। और ये टीम कैसे बनता है? जैसे मान लो आप यहाँ हैं, ये टीम है आपका, ये टीम बना रखे जिसमें कितनी लाइनें आपने बना दी है? 6 लाइन। अब आप बनना चाहते हैं 5 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाला बंदा, तो 5 लाख रुपया पर मंथ आपको चाहिए, तो आपको ये देखना होगा ना कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे कितने 5-6 लोग यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं। मान लो इस टीम में 100 लोग है, कोई इशू नहीं है सर, है, लेकिन हमें कितने एक्टिव चाहिए यहाँ पे? 6। और यहाँ भी 100 है, लेकिन कितने एक्टिव चाहिए? 6। यहाँ भी एक्टिव 100 लोग के अंदर कितने निकालने हैं? 6। इस तरीके से हमें टोटल कितने एक्टिव लोग चाहिए? 36। अगर ये 36 लोग, सिर्फ 36 लोग आपके टीम में 5000 ग्रुप है, लेकिन कितने एक्टिव है? 36। और ये 36 आदमी अगर इसको फॉलो करे, टाइम को, थॉट को, ट्रेनिंग को, अपने हेल्थ को, अपने किताबों को, अपने वीडियोस, ट्रेनिंग जो भी आप देखते हैं, या मेडिटेशन, जिम जो भी है, अगर इसको बैलेंस कर लेंगे ना, तो 24 घंटे पे आपका अपना कब्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 24 घंटा आपसे कोई छीन नहीं सकता।
यानी कि आप अपना 24 घंटे को किसी को छीनने नहीं देंगे तो आप बनेंगे क्या सुपर रिच। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आदमी अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या आप अकेले करोड़ों का बिजनेस कर पाओगे? नहीं। तो कम से कम आपका कमांड कितने लोगों पे होना चाहिए? 36। उसके साथ भी यही ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर वो नहीं सीख रहा तो आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए चेक कीजिए कि कौन एक्टिव है उसको काम में लगाइए, कौन एक्टिव नहीं है उसको छोड़ दो। जबरदस्ती अमीर बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ दिल्ली आने से पहले हमने क्या कहा था कि जो आदमी आना चाहता उनको लाओ, जो नहीं आना चाहता उसको छोड़ो। जो आना चाहता उनको लाओ, जो नहीं आना चाहता बैठिए, जो नहीं आना चाहता उनको उसी के हाल पे वहीं पे छोड़ दो। ज्यादा जीत करके किसी को ला के आप अमीर नहीं बना सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको अमीर बनने का डिसीजन है या गरीब रहने का डिसीजन, पहले चुन लो। गरीब रहना चाहो दुकान चलाओ, नौकरी करो, मजरी से गरीबी से जिंदगी कर जाए भगवान भरोसे, ठीक है। लेकिन अगर अमीर बनने का डिसीजन है तो वेस्टीज भी आपके लिए काम करेगा, दुनिया का कोई भी काम करके आप, मैं तो बोलता हूँ कि आप कुछ भी बना के आप अमीर बन सकते हैं। कुछ भी करके लोग मकई का इस्तेमाल करके उसको पॉपकॉर्न बना के अमीर हो गया जी, कहीं से भी अमीर हो गया। तो आपके पास इतना बेहतरीन बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, तो ये होगा कैसे? सबसे पहले हमें कंट्रोल किसको करना होगा? टाइम, अपना 24 घंटे का टाइम। पहले टाइम को कंट्रोल करना है, फिर थॉट को कंट्रोल करना है। ये हम दिन भर सोचते हैं, या गरीब आदमी की तरह सोचते हैं या अमीर आदमी की तरह सोचते हैं, एक बढ़िया बिजनेसमैन जैसा सोचते हैं या एक छोटा मोटा कर्मचारी है जैसा सोचते हैं। ये सब अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर आपका छोटे छोटे सोच आएगा, चलो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। जब आप ही को टाइम मिलेगा कर लेंगे तो आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ये भी बोलेगा मुझे भी जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे जी। तो थोड़ा थोड़ा अगर काम करेंगे तो रिजल्ट भी थोड़ा ही थोड़ा आ जाएगा जी। अगर आपको सुपर रिच बनना है तो सुपर रिच बनने वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होने चाहिए? 36 लोग होने चाहिए। अगर आप क्राउन बन के 5 लाख रुपए का चेक लेना चाहते हैं तो आपका नेटवर्क में हर लाइन में 6 लोग ऐसे होना चाहिए जो आपके जैसे टाइम को फॉलो करता है, थॉट को फॉलो करता है, ट्रेनिंग को फॉलो करता है। और टाइमिंग 24 घंटे का मैंने क्या किया, 6 घंटा सोना है। अब लोग 1 बजे रात तक जगे रहेगा तो क्या सीखेंगे? 10 बजे रात के बाद 1 बजे रात तक तो आप लोग कोई मीटिंग ही नहीं करते हो, लेकिन जगे हुए फालतू में। अब सोकर उठेंगे सुबह 8 बजे तो 3 घंटा तो सुबह का किया, लेकिन उठना है कितने बजे अपने को? 5 बजे। और सोना है 10 से 11 बजे के बीच में। जब सो जाना है आपको 11 बजे तक, तो 6 घंटा कितना हुआ? सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे जब आप उठ जाओगे तो भरपूर नींद हो गई। आप 10 घंटा वर्क में लगाते हो, लगा दो, लेकिन 2 घंटे आप यहाँ से जो सुबह आपने कट ऑफ किया है, सुबह 5 बजे उठ गए 8 बजे उठने के बजाय 2 घंटे कट ऑफ किए, तो 1 घंटा आप एक्सरसाइज में लगाइए, जिम में लगाइए, हेल्थ के ऊपर लगाइए, और 1 घंटे निकालिए किताबें पढ़ने में, 20 मिनट 20 मिनट आप कोई ट्रेनिंग वीडियो पे देखिए किसी भी बड़े लीडर्स का, और 20 मिनट आपको बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपना प्लान पे, अपना ग्रुप का स्ट्रक्चर में कैसे किसका किसका एलओपी बनेगा उसके ऊपर अगर 20 मिनट आप रोज दीजिए तो आपका बिजनेस और बेहतर नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन हम लोग करते क्या सर जानते, समय ही नहीं मिलता। ये समय जाता कहाँ? रात भर फेसबुक चलाने में 1 बजे तक, और सुबह 9 बजे उठना है। फेसबुक फ्रेंड आपको मर्सिडीज देगा? नहीं देगा। तो इस समय को हमें बचा लेना है, अपने टाइम को कब्जे में करना है। जब टाइम को अपने कब्जे में किया तो लाइफ को कब्जे में कर लिया आपने। आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी जियो। यहाँ पे करना क्या है, टाइम बचाना है, टाइम को सेट करके यूज करो, थॉट क्रिएट करो। कैसा हम थॉट निकालते हैं, सुपर रिच के जैसा या पुअर के जैसा? और ट्रेनिंग कौन सा लेते हैं जी? अब हमें बनना अमीर, हम पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर, क्या बनेंगे हमें? बनना अमीर हम देख रहे हैं, वो नहीं आता है सौधार इंडिया जी। तो हमें यहाँ देखना है कि सिद्धार्थ जी का ट्रेनिंग कौन सा, बालीधर का ट्रेनिंग कौन सा, या और बड़े सुपर रिच लोग जो हैं उनका ट्रेनिंग कौन सा है, उसको यूज करना है, थॉट को यूज करना है। यस या नो?
और फिर कमांड करना है एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल के लिए गोल बनाना है, क्योंकि अमीर लोग ना लंबा गोल बनाता है, गरीब लोग छोटा गोल बनाता है। ड्यूटी में जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, नौकरी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हाजिरी कट जाएगा तो तनख्वाह कट जाएगा, पैसा नहीं आएगा, दिक्कत है, बच्चे का एडमिशन कराना, तो उसी की व्यवस्था हो। लेकिन अमीर लोग गोल कैसे बनाएगा, एक साल बाद कहाँ पहुँचना, दो साल बाद कहाँ पहुँचना, पाँच साल बाद कहाँ पहुँचना, दस साल बाद कहाँ पहुँचना। तो अपने गोल कम से कम अमीर बनने के लिए एक से लेके पाँच साल का कम से कम में बनाना है। जैसे आप देख लो रिलायंस, रिलायंस ने जियो में जब लॉन्च किया उससे सात साल पहले उसने लगाया 2.5 लाख करोड़ लगा के कमाया 98। लेकिन सात साल बाद जब लॉन्च हुआ तो बोलता है जी 150 रुपया तो महीना भर यूज करो। हाँ जी, तो आज के समय में वो अमीर है या गरीब है, लेकिन प्रोसेस कितने दिन का था, वो सात साल डिसिप्लिन से काम किया। उसी तरीके से आप टाटा स्काई को देखिए, अदानी पावर को देखिए, अदानी गैस को देखिए, कोई भी कंपनी को देखिए, बड़ा जो बना है वो लंबे टाइम के लिए गोल सेटिंग और उसके लिए डिसिप्लिन हो गया। यानी कि गोल बना लिए पाँच साल का और सारा दिन जो है अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, नहीं कर पाए। अगर इसको आप सेट कर पाओगे सर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको टाइम के बारे में बता दिया, ये मेरा जो 21 तारीख को ट्रेनिंग करने जा रही कुबेर होटल में, उसका ये 12 स्लाइड का एक स्लाइड था। जब 21 तारीख को बैठेंगे ना ट्रेनिंग में तो आपको पूरा स्लाइड पे मिलेगा, जैसे सिद्धार्थ सर कल दे रहे थे ना स्लाइड पे, जिनका तो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड था, मेरा वैसा नहीं रहेगा, मेरा प्रोजेक्टर वाली स्लाइड पे रहेगा, सारा चीज ग्रॉस का ही बना होगा, तो उस दिन ये सब मिलेगा सर। ठीक है, तो कंट्रोल किस पे करना है भाई, खुद के ऊपर कंट्रोल करना, नहीं तो फिर शंकर पिल्ले वाली कहानियों पर आ जाएंगे।